है, और इसमें हमारा जो है वो जो बात शुरू होगी उसमें आप लोगों को याद होगा, हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो जीन है इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, और ये बात पिछले एक्सपेरिमेंट्स में साबित भी हो चुकी है कि जीन्स जो हैं उसके हवाले से ये कंसिडर किया जाता रहा था कि इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और ये इस चैप्टर में हमने दो अंदाज से यही चीज पढ़नी है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रूव दैट जीन्स आर गोइंग टू मेक अ प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा ये कि ये यही पैटर्न, ये पूरा जो यानी जीन से प्रोटीन बनने तक का जो पैटर्न है, ये भी हमने जो है वो स्टडी करना है आज के लेक्चर में। अब सबसे पहले तो बेटा जो डिस्कशन होगी हमारी दैट वुड बी कि प्रूफ क्या है, व्हाट इज द प्रूफ दैट जीन जीन्स मेक अ प्रोटीन, ठीक है। अब इसके लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग, और मतलब एक तो ये है कि दो तरह के साइंटिस्ट थे। सबसे पहले तो एक बंदा जिसने जिसने ये गैस लगाया कि जीन्स जो हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं, वो उसका नाम था आर्चिबाल्ड गैरेट। इसने ये गैस लगाया कि कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो फैमिलीज में रन करती हैं, फैमिलियल होती हैं, ठीक है। और फैमिलियल डिजीजेज जो हैं उनमें अल्टीमेटली जो चीज प्रॉब्लमेटिक होती है, जो चीज काम खराब करती है, जो चीज असल में प्रॉब्लम लेकर आती है, दैट इज ऑलवेज अ प्रोटीन, ठीक है। और वो प्रोटीन अगली नस्लों में ट्रांसफर होती है, और ये हमें पता है कि अगली नस्लों में प्रोटीन्स नहीं जाते बल्कि जीन्स यानी डीएनए जाता है। तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि अगरचे डिफेक्ट बजाहिर प्रोटीन का है लेकिन उसके पीछे जो वर्किंग करने वाली चीज है वो जीन है, ठीक है। तो ये जो फेमिलियल डिजीज हैं ये असल में प्रोटीन की वजह से नहीं बल्कि असल में ये क्या चीजें हैं, ये जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं। तो ये उसने जो है वो एक हाइपोथेसिस बनाया, और उसके हवाले से उसने एक डिजीज के ऊपर स्टडी की, दैट वाज नोन एज एलकैप्टोन्यूरिया। ये जो एलकैप्टोन्यूरिया थी ये एक डिजीज है जिसमें एक मटेरियल आना शुरू हो जाता है यूरिन में, इसको एलकैप्टोन कहते हैं। और एलकैप्टोन जो है ये जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो ये ब्लैक हो जाता है, इसकी वजह से ये जो है वो किसमें नहीं कन्वर्ट हो पाता, सॉरी ये एक डिजीज की निशानी होती है ब्लैक यूरिन। और फिर एक और प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि इसकी इसमें मेंटल रिटार्डेशन के इश्यूज जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो उसने कहा कि ये फेमिलियल डिजीज है, और ये जो डिजीज है ये अगली नस्लों में जा रही है लेकिन इसके पीछे जो वजह है वो प्रोटीन नहीं है, वो डीएनए है। अब इसके हाइपोथेसिस को, इसके इस आइडिया को लेते हुए दो ग्रुप्स थे साइंटिस्ट के, एक था बीडल एंड टॉटम, बीडल एंड टॉटम, और दूसरा जो था ग्रुप साइंटिस्ट का उसमें एक का नाम था सर्ब और दूसरा जो है उसका नाम भी अभी देख लेते हैं यहां पर, ये देखिए ये लिखा हुआ एड्रियन सर्ब एंड नॉर्मन हॉरोविट्स। ये जो साइंटिस्ट के ग्रुप्स थे इन्होंने, ये बेसिकली कॉलीग्स ही हैं, ठीक है। इन्होंने जो आइडिया लिया वो ये था कि क्यों ना हम जो है वो एक्सरेज के जरिए किसी ऑर्गेनिज्म के जीन में म्यूटेशन लेकर आए और हम ये देखें कि जो म्यूटेशन है उसका असर क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी उसने वो जो आइडिया दिया आर्चिबाल्ड गैरेट ने, उसने आर्चिबाल्ड गैरेट ने ये कहा था कि जीन जो है वो असल में बनाता है कोई ना कोई एंजाइम, और ये जो एंजाइम्स हैं दे अल्टीमेटली कंट्रोल द बॉडी। और ये बात इतनी गलत भी नहीं है, ये हम सब जानते हैं कि ये बात इतनी गलत भी नहीं है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं दे अल्टीमेटली कंट्रोल द बॉडी। और इस बात का सबूत उसने कहाँ से लिया, कुछ डिजीजेस जैसे ये जो एलकैप्टोन्यूरिया है इसमें एलकैप्टोन जो है इसको ब्रेक करना है ना, अगर एलकैप्टोन को अगर ब्रेक करना है तो ऑब्वियसली एलकैप्टोन को ब्रेक करने के लिए बीच में जो चीज इन्वॉल्व है वो एंजाइम है। उसने ये कहा कि जो जीन्स हैं वो बेसिकली एंजाइम्स बनाते हैं और इस तरीके से ये बॉडी को, पूरी बॉडी को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो इसका अंडरस्टूड मतलब ये है कि ये जो जीन्स के जरिए एंजाइम्स बन रहे हैं, अगर जो बीडल एंड टॉटम और एड्रियन और नॉर्मन, ये जो दो साइंटिस्ट, ये जो दो ग्रुप्स थे,
इन्होंने ये कहा कि समहाउ वी शुड मेक अ डिफेक्ट इन जीन, कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसके जरिए जो जीन है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आए और वो जो डिफेक्ट है वो क्या कॉज करे, वो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म कॉज करे, यानी अल्टीमेटली क्या हो कि जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ हो जाए। अब आप गौर कीजिए इस बात के ऊपर, कितना जीनियस आइडिया है कि कोई ना कोई, अगर यही बात है, अगर जो आर्चिबाल्ड गैरेट ने कहा है वो ठीक है, तो फिर यूं कर लेते हैं कि जीन्स को डिफेक्ट कर, जीन्स के ऊपर जो है वो कोई ना कोई इफेक्ट डाल के देखते हैं, अगर वो जीन जो है वो वाकई ही में इस तरह उनके अंदर डिफेक्ट आता है कि वो जीन्स हो जाते हैं गड़बड़, उन जीन्स के अंदर प्रॉब्लम आता है, तो लाजिमन कोई ना कोई एंजाइम जो है वो खराब होगा, लाजिमन कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी और वो जो मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो जाएगा। बेसिकली उन्होंने जो गैस लगाया वो ये था कि क्योंकि हमारी पूरी बॉडी मेटाबॉलिज्म के जरिए चलती है, लिहाजा अगर हम किसी एंजाइम को जो है वो खराब कर देते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो एंजाइम जो है वही बनना बंद हो जाएगा, दैट वुड बी रिजल्टिंग इन डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दे टुक अ कल्चर ऑफ न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा बेटे एक जो है वो फंगस है और ये एक ऐसी मासूम सी फंगस है जिसके दो फीचर्स हैं। सबसे पहले इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जिसकी वजह से इसको सिलेक्ट किया गया न्यूरोस्पोरा को, ये एक ऐसी फंगस है जो कि शार कर्टन्स पे ग्रो हो जाती है। हमारे जो अक्सर आपने देखा होगा शार जो है, शावर्स जो होते हैं उनके इसके जो प्लास्टिक के कर्टन्स होते हैं, तो वो जो कर्टन्स होते हैं उन पे ग्रो कर जाती है, यानी दिस न्यूरोस्पोरा कैन ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडियम वेरी इजीली, आर्टिफिशियल मीडियम। और ये ऐसी जो है वो है, फिर ये हैप्लॉइड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बड़ी जबरदस्त बात है वो ये है कि ये एक ऐसी फंगस है कि इट कैन असेंबल मोनोमर्स इनटू पॉलीमर्स, ये मोनोमर्स को पॉलीमर्स में असेंबल कर सकती है, ठीक है। फिर एक और इसके बारे में कि ये जो है वो इट कैन इट टेक्स द प्रिकर्सर्स फ्रॉम द मीडियम, यानी ये कोई भी प्रिकर्सर खुद नहीं बनाती, मीडियम से प्रिकर्सर लेती है और मीडियम से प्रिकर्सर लेके उसके बाद अपने प्रोसेसेस जो है वो चलाती है। तो अब यहां से जो है वो इन्होंने कहा कि चलो इस जो है वो एक फंगस को ग्रो करवाते हैं, और इस फंगस को ग्रो करवाने का मकसद क्या था कि इस फंगस को म्यूटेट किया जाए। अब जरा गौर कीजिएगा इनके इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर। सबसे पहले तो याद रखिए कि एक चीज होती है जिसको इस एक पेट्री प्लेट को दो तरह के मीडियम्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक मीडियम होता है जिसको आप कहते हैं मिनिमल मीडियम। मिनिमल मीडियम वो होता है कि जिसके अंदर प्रीकर्सर्स होते हैं, प्रीकर्सर्स होते हैं, लेकिन और वो प्रीकर्सर जो हैं उनको फिर उस ऑर्गेनिज्म ने क्या करना होता है, एंजाइम के जरिए उन प्रीकर्सर्स को किस में चेंज करना होता है, प्रोडक्ट में चेंज करना होता है। समझ आ रही है बात? यानी मिनिमल मीडियम जो है वो कोई कंप्लीट ऑर्गेनिक मटेरियल कभी भी नहीं देगा, मिनिमल मीडियम प्रीकर्सर जरूर देगा और उन प्रीकर्सर्स को आपने कन्वर्ट करना होगा प्रोडक्ट्स में, अपने यूजफुल कंपाउंड्स में आपने जो है वो उन प्रीकर्सर्स को कन्वर्ट करना होगा। अब एक उन्होंने बनाया मिनिमल मीडियम और दूसरा उन्होंने बनाया मैक्सिमल मीडियम। मैक्सिमल मीडियम वो था कि जिसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा सकते हैं, मतलब उसके अंदर वो तमाम रिक्वायरमेंट्स, वो तमाम ऑर्गेनिक मटेरियल्स मौजूद हैं जो अगर एक ऑर्गेनिज्म का जीन डिफेक्ट भी है ना तो वो उसको भी ग्रो करवा सकते हैं। देखिए एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक साइकिल होता है जिसको आप कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल जो है वो ह्यूमन में होता है और इस ऑर्निथिन साइकिल को दूसरा नाम आप देते हैं यूरिया साइकिल, ठीक है। अब ये यूरिया साइकिल स्टार्ट कहां से होता है, फॉर एग्जांपल आर्जिनिन है ना, ह्यूमन का लिवर आर्जिनिन को पहले कन्वर्ट करता है ऑर्निथिन में, ऑर्निथिन से फिर बनता है सिट्रोलिन, सिट्रोलिन से बनता है आर्जिनिनो सक्सिनेट, ठीक है, और उसके बाद बनता है आर्जिनिन, ठीक है। अच्छा, अब
प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने आर्जिनिन बनाना है ना, फॉर एग्जाम्पल आर्जिनिन आपको चाहिए, तो आपको इन तमाम स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। पहले आप आर्जिनिन जो है, या ये बेसिकली, सॉरी ये गलती हो गई, एक मिनट रुकिएगा, ये आपने बनाना आर्जिनिन है, ठीक है, आप मीडियम से लेते हो। फॉर एग्जाम्पल चले मैं आपको यहां एक एग्जाम्पल देता हूं, आप मीडियम से लेते हो ग्लूटामेट, ग्लूटामेट लेते हो, ये तमाम अमीनो एसिड्स के नेम्स है बेटे, आप ग्लूटामेट लेते हो, ग्लूटामेट को कन्वर्ट करते हो ऑर्निथिन में, ऑर्निथिन को कन्वर्ट करते हो सिट्रुलिन में, सिट्रुलिन को कन्वर्ट करते हो आर्जिनिनोसक्सिनेट में, आर्जिनिनोसक्सिनेट को कन्वर्ट करते हो आर्जिनिन में। लेकिन इनमें से हर एक में आपको क्या चाहिए होगा, इनमें से हर एक में आपको चाहिए होगा एंजाइम E1, E2, E3, E4, आपको हर एक में एंजाइम चाहिए। अब फर्ज करें आपके पास एक अदर टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर आपके पास न्यूरोस्पोरा के सेल्स हैं, जो आपका टेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके सेल्स हैं। आपने क्या किया, एक्सरे सोर्स से आपने एक्सरे फायर की। जब आपने एक्सरे सोर्स से एक्सरे फायर की, तो उसके रैंडम जीन्स जो हैं वो होंगे क्या, रैंडम जीन्स म्यूटेट हो जाएंगे। आपने क्या किया, आपने एक्सरे फायर की, रैंडम जीन्स को म्यूटेट किया, और रैंडम जीन्स को म्यूटेट करके आपने देखा कि ये जो न्यूरोस्पोरा है ये कहां तक प्रोडक्ट बना पा रही है। फॉर एग्जाम्पल क्या ये आर्जिनिन बना पा रही है, या ये आर्जिनिनोसक्सिनेट पे रुक रही है, या ये सिट्रोलिन पे रुक रही है, या ये ऑर्निथिन पे रुक रही है, या ये ग्लूटामेट से आगे बढ़ ही नहीं पा रही। इसका मतलब क्या होगा कि जिस स्टेप पे न्यूरोस्पोरा रुक गई, इसका मतलब है उससे अगले स्टेप का एंजाइम अवेलेबल ही नहीं। दोबारा सुनिए, जिस स्टेप पे न्यूरोस्पोरा मेटाबॉलिज्म करना रुक गई, इसका मतलब है उससे अगला एंजाइम अवेलेबल ही नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर सिट्रुलिन पे रुक जाती है न्यूरोस्पोरा, इसका मतलब ये है कि ये जो सिट्रुलिन है ये एंजाइम 3 एब्सेंट है, और एंजाइम 3 के एब्सेंट होने की वजह से जो आर्जिनिनोसक्सिनेट है वो बन ही नहीं पा रहा। सो द होल यूरिया साइकिल, और यू कैन से होल मेटाबॉलिज्म विल स्टॉप। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सरे फायर की। याद रखिए, हमेशा इस तरह के एक्सपेरिमेंट में एक चीज बड़ी जरूरी होती है, और वो क्या होती है, होती है एक होती है जिसको आप कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप होता है जिसको आप तमाम नॉर्मल कंडीशंस देते हैं। कंट्रोल ग्रुप ये वो ग्रुप होता है जिसको आप हर चीज नॉर्मल देते हैं, और इसको आप एक्सरे से एक्सपोजर भी नहीं देंगे, ठीक है, सो नो एक्सपोजर। और दूसरा ग्रुप होता है जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ये वो ग्रुप होता है जिसको आप तमाम उन चीजों से गुजारते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स आपने करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्रुप तो बनाया कंट्रोल ग्रुप, और कीजिएगा इसके ऊपर, ये आपके पास कंट्रोल ग्रुप है। इस कंट्रोल ग्रुप या ये यहां पर गौर कीजिए, ये तीन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ठीक है, ये कंट्रोल ग्रुप है वाइल्ड टाइप, ये वाइल्ड टाइप है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनाब सबसे पहले तो इन सब को ग्रो करने की कोशिश की मिनिमल मीडियम में। अब गौर कीजिए, मैं आपको मजीद जूम कर देता हूं, ये टेबल आपको क्या बता रहा है, ये टेबल आपको बता रहा है बेटा, पहले टेबल पे, पहले जो है वो रो पे आपने गौर करना है, ये वाली पढ़ रहे हैं, ये टेबल आपको बता रहा है कि मिनिमल मीडियम पे जो स्ट्रेन ग्रो हुआ वो सिर्फ वो था कि जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुई हुई थी, जिसको एक्सरे एक्सपोजर आपने दिया ही नहीं था। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब क्या है कि अगर आपने इसको एक्सरे का एक्सपोजर नहीं दिया था, ये मिनिमल मीडियम पे ग्रो हो गई, यानी इसके पास वो तमाम जीन्स मौजूद हैं जो मेटाबॉलिज्म के लिए, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए, ऑर्निथिन बनाने के लिए, सिट्रुलिन बनाने के लिए, आर्जिनिन बनाने के लिए, तमाम जीन हेल्दी थे, म्यूटेटेड नहीं थे, ठीक है। तो वो किस पे ग्रो हो गया, मिनिमल मीडियम पे ग्रो हो गया जिसमें सिर्फ प्रीकर्सर्स मौजूद थे। अब इन्होंने क्या किया, मिनिमल मीडियम पे ही ग्रो किया लेकिन साथ में ऑर्निथिन दे दी। अच्छा, इस पे अभी छोड़िए, अभी इसको छोड़िए, अभी ऊपर वाले पे आइए, बाकी तीन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनमें से एक भी ग्रो नहीं हुआ। इसका मतलब है इन तीनों का कोई ना कोई जीन जो है वो डिफेक्ट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से ये इनके अंदर ग्रोथ आ ही नहीं रही, ये आर्जिनिन यूज नहीं कर सक रहे, और आर्जिनिन यूज ना करना जो है वो, आर्जिनिन ना बना पाना इनके लिए बहुत वाइटल है, ठीक है, तो ये ग्रो ही नहीं कर सक रहे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब बनाई जिसमें इन्होंने क्या दे दिया, ऑर्निथिन दे दिया।
अब जब इन्होंने ऑर्निथिन दिया तो इन चारों टेस्ट ट्यूब्स में से वाइल्ड टाइप को तो छोड़ देना आप, अब हम सिर्फ इनको डिस्कस करेंगे क्योंकि वाइल्ड टाइप में सब ने ग्रो होना है। वाइल्ड टाइप में जितनी टेस्ट ट्यूब होंगी उसमें वो ग्रो हो जाएंगे क्योंकि उनको सिर्फ प्रिकर्सर्स चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्निथिन दे दिया। जब इन्होंने ऑर्निथिन दिया ना तो एक टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ आ गई, एक टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ आ गई। इसका क्या मतलब है कि इनका कौन सा जीन डिफेक्टेड था जो ग्लूटामेट से क्या बना रहा था, ऑर्निथिन बना रहा था। ऑर्निथिन आपने दे दिया, अब आगे ग्रो करेगा। समझ आ रही मेरी बात? ये वही बात है कि सिर्फ आपने हेडिंग बना दी, आप कहते हो यार पेपर में नकल कर रहे हो तो यार जरा वो बता दो, हेडिंग बता दो, बाकी मैं खुद लिख लूंगा, हेडिंग बता दो यार, हेडिंग बता दो। तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ उसको हेडिंग बता दी, और जब उस आपने उसको हेडिंग बताई तो धड़ाधड़ काम शुरू हो गया। तो आप इसमें देखिए कि हमने ये जो पूरा साइकिल बनाया है, पूरा जो हमने ये एक मेटाबॉलिज्म बनाया है, ग्लूटामेट से ऑर्निथिन जो है वो बनाना था। अब अगर ये जो ये वाला जो क्लास वन म्यूटेंट्स है इनको आपने दी ऑर्निथिन दे दी, इसका मतलब है बाकी तमाम जीन्स इनके म्यूटेट नहीं थे, तो इन्होंने जनाब ग्रोथ कर ली लेकिन बाकी ग्रो नहीं हुए। इसका मतलब है यहां मसला ऑर्निथिन वाले जीन का नहीं है, यहां कुछ और भी है। अब आइए, इन्होंने अब मीडियम में क्या दे दी, सिट्रुलिन दे दी, ठीक है। अब इन्होंने जब सिट्रुलिन दी तो सिट्रुलिन इसने भी यूज कर ली। सिट्रुलिन इसने क्यों यूज कर ली, इसका कोई आंसर देगा, इसने सिट्रुलिन क्यों यूज कर ली? क्योंकि सर इसमें दोनों जीन डिफेक्टेड थे, ऑर्निथिन और सिट्रुलिन वाला। नहीं बेटा नहीं, ये बात नहीं है। याद रखिए, इसको अगर सिट्रुलिन अवेलेबल है तो इसको ऑर्निथिन की जरूरत क्या है, ये डायरेक्ट मीडियम से सिट्रुलिन उठाएगा। भाई बात ये है ना कि अगर उसको इसमें देखिए गौर से, ये देखिए, अगर आपके पास ग्लूटामेट आपको मीडियम से नहीं मिल रही, ऑर्निथिन भी नहीं मिल रही, अगर सिट्रुलिन मिल रही है तो साइकिल यहां से स्टार्ट कर लो, इसमें क्या हरज है? पहले दो बनाना जरूरी तो नहीं है? असल में तो आपका मकसद क्या है, आर्जिनिन लेनी है ना आपने, तो फिर आप ग्लूटामेट भी छोड़ दो, ऑर्निथिन भी छोड़ दो, सिट्रुलिन मिल रही है सिट्रुलिन से आगे शुरू कर दो, तो इसलिए ये ग्रो करेगा। ये अपना साइकिल कहां से शुरू करेगा, सिट्रुलिन से आगे शुरू कर देगा। हालांकि इसका जीन ये वाला अभी भी डिफेक्टेड है, इसका जो जीन है जिसने ग्लूटामेट से ऑर्निथिन बनानी थी वो जीन अभी भी डिफेक्टेड है, लेकिन इसको इस ये बाईपास हो गया ना, ये वाले जीन की जरूरत बाईपास हो गई। बाईपास क्यों हो गई, क्योंकि अब ये जो ऑर्निथिन जिसने बनाना था उसके बजाय वो यूज नहीं हो रहा। आपको जब सिट्रुलिन डायरेक्ट अवेलेबल है तो बस वहां से आप साइकिल स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इस टेस्ट ट्यूब पे गौर करें, इस टेस्ट ट्यूब का क्या मतलब हुआ, इस टेस्ट ट्यूब का मतलब ये हुआ कि इसके पास सिट्रुलिन नहीं आ रहा था। यानी इसका क्या मतलब है कि इसका बेसिकली कौन सा एंजाइम डिफेक्टेड था, इसका एंजाइम डिफेक्टेड था E2, जो ऑर्निथिन को किसमें कन्वर्ट कर रहा था, सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर रहा था। अगर ऑर्निथिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट किया, अगर आप ऑर्निथिन ना दें डिफेक्टेड एंजाइम की वजह से, ऑर्निथिन ना दें बल्कि आप डायरेक्ट सिट्रुलिन दे दें, तो मैंने अभी आपको क्या कहा, आप ऑर्निथिन नहीं देंगे सिट्रुलिन दे दें, साइकिल वहां से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरी टाइप की टेस्ट ट्यूब्स हैं, इनमें जो जीन डिफेक्ट हुआ वो कौन सा था, वो वाला जीन था जो कि ऑर्निथिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर रहा था। आपने डायरेक्ट सिट्रुलिन दे दी, उसने साइकिल वहां से स्टार्ट करके ग्रोथ करवा ली, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे, आर्जिनिन। अब जब आपने आर्जिनिन दी तो सब पे ग्रोथ हो गई, ठीक है। अब देखिए यहां पर वो नतीजा क्या निकल रहा है, समरी ऑफ रिजल्ट, कैन ग्रो विद और विदाउट एनी सप्लीमेंट, इनको सप्लीमेंट नहीं देने पड़ रहे। कैन ग्रो ऑन ऑर्निथिन सिट्रुलिन और आर्जिनिन, मैंने अभी आपको बताया ये सिर्फ किस पे ग्रो नहीं कर सकता, अगर इसके पास ग्लूटामेट है। अगर आपने इसको ऑर्निथिन दे दिया तो ये साइकिल वहां से स्टार्ट कर लेगा, सिट्रुलिन दे दिए वहां से साइकिल स्टार्ट कर लेगा। वो कहता है कि कैन ग्रो ओनली ऑन सिट्रुलिन और आर्जिनिन, यानी इसका मतलब है कि इसके पास क्या बनाने का एंजाइम नहीं था, सिट्रुलिन। आपने सिट्रुलिन का सप्लीमेंट दिया तो वो ग्रो होना शुरू हो गया, यानी इसका मतलब है इसका साइकिल ग्लूटामेट से स्टार्ट नहीं हो रहा, ऑर्निथिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, सिट्रुलिन आपने दी है तो उसके बाद के सारे एंजाइम इसके पास मौजूद है, ठीक है। यहां पर आप देखिए, इसको आपने डायरेक्ट आर्जिनिन दी है
इसका मतलब है इस बेचारे का काफी नुकसान हुआ भाई, इसके काफी ज्यादा जीन खराब थे। ठीक है, तो ये देखिए, ये उन्होंने पूरे वो साइकिल्स दिए हुए हैं, ये उन्होंने पूरा वो दिया हुआ है कि ये इन साइकिल्स में क्या क्या गड़बड़ आई होगी जो कि ये तमाम जो जीन्स हैं ये डिफेक्ट हुए और वो क्या नहीं बना सका, आर्जिनिन नहीं बना सका, और आर्जिनिन ना बनाने की वजह से इसको जो प्रॉब्लम फेस हुई वो क्या थी। ठीक है, तो जी बेटा अगर इसे कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर ये जो न्यूरोस्पोर है आपने बताया कि मोनोमर्स को पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं, किस मोनोमर को कन्वर्ट करते हैं पॉलीमर में? इसको आप असल में इसको वो मोनोमर्स नहीं बल्कि मैंने शायद थोड़ा सा गलत बोल दिया, वो असल में वो है इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में, और उसके बाद फिर वो अपना पूरा अमाइनो एसिड बना सकते हैं सारे। ठीक है, तो अगर जीन नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो नहीं कर सकेंगे। ये मैंने ये कहना था, मेरे मुंह से पता नहीं क्यों मोनोमर निकल गया। असल में मैंने अभी थोड़ी पहले वो एक एंट्रेंस क्लास पढ़ाई है उसमें मैं मोनोमर डिस्कस कर रहा था। तो सर ये आपने बोला कि प्रिकर्सर अपने मीडियम से लेता है, तो अगर हम आपने बोला कि आर्टिफिशियल मीडियम पे भी ग्रो कर जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल मीडियम में इनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो प्रिकर्सर कहाँ से लाएगा ये फिर? आर्टिफिशियल मीडियम जो है उस पर तो ग्रो करने का फायदा ही तब है जब आपने प्रिकर्सर तो कम से कम दिए हो ना, कार्बन दिया हुआ हो किसी ना किसी लिहाज से, हाइड्रोजन दिया हुआ हो, नाइट्रोजन दी हुई हो, आप वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देंगे तो वो आर्टिफिशियल मीडियम बनेगा। आर्टिफिशियल मीडियम तो अगर आपने खाली जैसे वो मैंने बताया था एगर एगर और न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट एगर दो तरह की चीजें बाजार से मिलती हैं, एगर एगर में आपको देने पड़ते हैं न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं, न्यूट्रिएंट एगर में सब कुछ ऑलरेडी मौजूद होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, तो एगर एगर जो है उसमें आपको मिनरल्स और इवन उसमें आपको ये पता है कि उसमें बीफ के गोश्त का चूरा करके भी डाला जाता है, जो एगर एगर है बीफ का चूरा करके भी डाला जाता है ताकि आगे ग्रो हो सके। तो मिनिमल मीडियम जो है उसमें अगर आपने एगर एगर यूज करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कम अज कम जो कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ है वो तो देने पड़ेंगे ना ताकि वो ग्रो हो सके। ये देखिए यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है, वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा हैज मॉडेस्ट फूड रिक्वायरमेंट्स, इट कैन ग्रो इन द लेबोरेटरी ऑन अ सिंपल सॉल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ग्लूकोज, विटामिन, बायोटिन इनकॉर्पोरेटेड इनटू एगर, अ सपोर्ट मीडियम। बस इसको ये चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जीन म्यूटेटेड नहीं होता, लेकिन बाकियों को जो है वो चाहिए होता है। ये आर्जिनिन असल में एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इनकी बॉडी का, और इनके पूरी बॉडी के अंदर जो साइकिल होते हैं या जो अमाइनो एसिड्स वगैरह इन्होंने सिंथेसाइज करने होते हैं उसके लिए जो जीन्स म्यूटेट होते हैं उनमें दरमियान में एक अमाइनो एसिड आर्जिनिन बनता है। ये देखिए, टू इंश्योर सर्वाइवल ऑफ दीज न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स, बीडल एंड टॉटम अलाउड देम टू ग्रो ऑन अ कंप्लीट ग्रोथ मीडियम विच कंसिस्टेड, ये वही वाली बात है, कंप्लीट ग्रोथ मीडियम मतलब उसमें सारे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। वायल्स These resulted, अच्छा एक मिनट, म्यूटेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड आर्जिनिन सिंथेसाइजिंग, आर्जिनिन सिंथेसाइजिंग पाथवे विच हैज थ्री स्टेप्स, वो थ्री स्टेप्स हो गए। ठीक है, मैं असल में वो रीजन यहाँ पे लिखी हुई थी वो ढूंढ रहा हूँ कि वो आर्जिनिन वाई आर्जिनिन इज नेसेसरी, ये इन्होंने वही कंक्लूजन वाली बात लिखी हुई जो मैंने आपको भी बताई थी कि कंक्लूजन क्या निकला इसका। फिर एल्बिनो डियर का वो बता रहा है, ये देखिए एल्बिनो डियर का वो बता रहा है, बहुत ही मजे की एग्जांपल है एल्बिनो डियर का। वो क्या कहता है कि एल्बिनो डियर में ये जो एक एंजाइम होता है वो मौजूद ही नहीं है, वो है टायरोसिनेज मेटाबॉलिक पाथवे दैट प्रोड्यूसेस मेलानिन। अब देखिए एक मेटाबॉलिक पाथवे है फॉर एग्जांपल कि जो पांच स्टेप्स का है, ठीक है पांच स्टेप्स का है, एग्जांपल ले लीजिए कि उसके शुरू में है टायरोसिन, ये भी एक अमाइनो एसिड है, ये टायरोसिन है और ये मेलानिन है। अब टायरोसिन और मेलानिन जो है इनमें टायरोसिन को मेटाबोलाइज करने के लिए आपको एक एंजाइम चाहिए टायरोसिनेज। अब अगर ये एब्सेंट है तो मेलानिन नहीं बनेगा, और मेलानिन नहीं बनेगा तो वो जो डियर है वो क्या काउंट होगा, वो एल्बिनो काउंट होगा। यहाँ डियर है जो 11th एडिशन है उसके अंदर डोंकी की मिसाल दी हुई है, ये एल्बिनो क्यों होते हैं अब आप खुद ही सोच लीजिए कि बेसिकली एल्बिनो होने की वजह
जो है वो जो हम पढ़ते हैं आमतौर पर, हो सकता है कि सिर्फ वो ना हो बल्कि कंप्लीट मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके दरमियान में जो भी जीन डिफेक्टेड होगा वो जीन रिजल्ट होगा एल्बिनिज्म का। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट कि अगर एल्बिनिज्म कॉज हो रहा है तो इसका अंडरस्टूड मतलब ये है कि दरमियान में कोई एक जीन डिफेक्टेड है। ठीक है, सो ये जो है वो टोटल कंक्लूजन था उस पूरे एक एक्सपेरिमेंट जिन्होंने डिजाइन किया, और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने साबित कर दिया कि वन जीन कोड्स फॉर वन एंजाइम एंड दोज एंजाइम कोड फॉर दोज एंजाइम कंट्रोल द बॉडी। ठीक है, अब लेकिन लेकिन अच्छा इसमें इनको नोबेल प्राइज मिला, मतलब बहुत जबरदस्त जीनियस एक्सपेरिमेंट है और बहुत जबरदस्त किस्म की एक्सप्लेनेशन है, और बड़ा ही आपको कंक्लूजन मिलता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किस तरह होता है। लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स, सबसे पहले ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, अब अगर जो है वो जीन वो तमाम प्रोटीन्स बनाता है तो फिर वो तमाम एंजाइम्स नहीं बनाता होगा बल्कि साथ साथ कुछ और भी बनाता होगा, और ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक बहुत मेजर प्रोटीन है हमारी हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक और बहुत मेजर प्रोटीन है हमारी कोलेजन, इनका एंजाइम होने से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी जो है वो और भी कई प्रोटीन है जिनका एंजाइम होने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी जीन से बन रही है। इसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये सेंटेंस ठीक नहीं है, इसको कह दीजिए वन जीन वन प्रोटीन, वन जीन वन प्रोटीन। अब ये भी गलत हो गया। ये कैसे गलत हो गया, ये ऐसे गलत हो गया कि भाई जो हीमोग्लोबिन है उसमें दो अल्फा और दो बीटा चेन्स है। अब अगर हीमोग्लोबिन में दो अल्फा दो बीटा हैं, और आप हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन क्या चीज है जी बेटा, हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन है, और इट इज नॉट गेटिंग सिंथेसाइज्ड बाय अ सिंगल जीन, ये एक जीन से तो नहीं बन रही ना, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय सिंगल जीन, एक प्रोटीन है जो एक जीन से नहीं बन रही। इसका मतलब ये है कि ये कहना भी गलत है वन जीन वन प्रोटीन, ये कहना भी गलत है, क्योंकि एक जीन कभी भी एक कंप्लीट प्रोटीन को नहीं बनाएगा। इसमें आप बहुत सी एग्जांपल्स दे सकते हैं, जो आपकी है एक्टिन मायोसिन, मसल्स की जो प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, ये जितनी प्रोटीन है इन सब के अंदर मल्टीपल चेन्स है, और मल्टीपल चेन्स मल्टीपल जीन से बनती है, तो वन जीन वन कंप्लीट प्रोटीन कभी भी नहीं हो सकता। उसके नतीजे फिर उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि चलो एक और टर्म डिफाइन करते हैं, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। लेकिन ये भी अंडर डिस्कशन है। ये अंडर डिस्कशन क्यों है, यहां पर अब आप लोगों को थोड़ा सा शॉक लगेगा, वो ये कि अ सिंगल और सेम जीन कैन कोड फॉर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। एक ही जीन एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स कोड कर सकता है। हाँ, ये तो अब काम खराब है, हमारा तो कॉन्सेप्ट खराब होता है। हम तो कहते हैं कि एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड बनती है, अगर एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड बनती है तो वही जीन दूसरी पॉलीपेप्टाइड कैसे बना सकता है। बेटा इसमें होता क्या है, इसमें होता कुछ यूं है कि अगर एक डीएनए है ना, एक जीन है, उस जीन से आप क्या बनाते हैं, उस जीन से आप बना देते हैं जी आरएनए, और आप उस आरएनए को क्या करते हैं, आप उस आरएनए को एक प्रोसेस से गुजारते हैं जिसको आप कहते हैं स्प्लाइसिंग। याद रखिए, सम टाइम स्प्लाइसिंग इज डिफरेंशियल, यानी सम टाइम एक ही जीन से दो टाइप की पॉलीपेप्टाइड्स बन रही होती हैं, सॉरी दो टाइप के आरएनए बन रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम पे जब आरएनए बनता है तो उसकी स्प्लाइसिंग डिफरेंट होती है, दूसरे टाइम पे जब आरएनए बनता है तो उसकी स्प्लाइसिंग डिफरेंट होती है। क्या मतलब है
कि दोनों टाइम पे पॉलीपेप्टाइड डिफरेंट होगी, एक टाइम पे डिफरेंट स्प्लाइसिंग, दूसरे टाइम पे डिफरेंट स्प्लाइसिंग। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों टाइम पे डिफरेंट स्प्लाइसिंग होगी, इसका मतलब है ये डिफरेंट प्रोटीन होगी, ये डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड होगी, और इसी जीन से बनी हुई दूसरी पॉलीपेप्टाइड जो है वो डिफरेंट होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में आगे है, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। एक ही जीन से दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड किसकी वजह से? डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग की वजह से। स्प्लाइसिंग एक दफा डिफरेंट हो रही है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर स्प्लाइसिंग एक दफा डिफरेंट हो रही है तो डिफरेंट, उसी जीन से बनने वाले आरएनए की स्प्लाइसिंग अगली दफा डिफरेंट हो रही है तो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड वाला मामला भी हमेशा सेम नहीं है। दूसरा एतराज, दूसरा एतराज, समटाइम्स जीन्स डू नॉट मेक प्रोटीन, दे इवन स्टॉप एट, दे इवन स्टॉप एट आरएनए लेवल। सिर्फ आरएनए बनाकर छोड़ देते हैं और वो आरएनए अपना अपना काम करते हैं। और आपको पता है कि एंजाइम्स जो है, बहुत से एंजाइम्स ऐसे हैं जो प्रोटीन नहीं है लेकिन एंजाइम्स हैं। कौन से वाला? बहुत से एंजाइम्स ऐसे हैं जो प्रोटीन नहीं है, क्या पूछा आपने? बहुत से एंजाइम्स ऐसे हैं जो प्रोटीन नहीं है लेकिन एंजाइम की तरह काम करते हैं। वो को एंजाइम भी नहीं है, वो को फैक्टर भी नहीं है। एंजाइम से पूछ, एंजाइम होते ही प्रोटीन है। हाँ, मुझसे भी जज्बात में गलत बटन प्रेस हो गया, एक मिनट रुकिएगा, बताता हूँ आपको। जी फरिया, कुछ कहना लगी थी शायद आप? समटाइम्स जीन्स डू नॉट मेक प्रोटीन, दे इवन स्टॉप। राइबोसोम आई थिंक। जी शाबाश बेटा, शाबाश 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 शाबाश। सम एंजाइम्स आर आरएनए एंजाइम, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो आरएनए के बने हुए होते हैं, और ये आरएनए, यही आरएनए का बना हुआ एंजाइम एक एंजाइम के तौर पे एक्ट करता है, इसको आप कहते हैं राइबोजाइम। यानी ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन के नहीं बने हुए बल्कि आरएनए के बने हुए, और वो जो फंक्शन होता है वो आरएनए परफॉर्म करता है। और मिसाल आपको मैं इसकी देता हूं बेटा, ये जो स्प्लाइसोसोम होते हैं ना, ये राइबोसोम होते हैं, राइबोजाइम होते हैं। जो स्प्लाइसोसोम्स होते हैं ये राइबोजाइम्स होते हैं, ये प्रोटीन के नहीं बने हुए, ये आरएनए के बने हुए। एस एन आर एन एस वगैरह जो होते हैं ना, वो ये राइबोजाइम्स होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये किसी हद तक वन जीन वन एंजाइम भी डिसअप्रूव हो गया, वन जीन वन प्रोटीन भी डिसअप्रूव हो गया, और अब वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड भी डिसअप्रूव हो गया। क्योंकि समटाइम एक एक जीन एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड कोड कर रहा है, और समटाइम एक जीन पॉलीपेप्टाइड बना ही नहीं रहा, बल्कि वो सिर्फ आरएनए पे जाके फंक्शनल आरएनए पे रुक जाता है, आरएनए वो प्रोटीन बना ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आरएनए, उसका जो है वो आरएनए कह रहा हूं, जो है वो बहरहाल ये जरूर है कि कैरेक्टर्स और बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसके अंदर जो जीन है उसकी कोडिंग का बहुत ज्यादा रोल होता है। ये अब हमारे सामने बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है जी बेटा, आप क्वेश्चन है बताइए। ऊपर नहीं है कुछ, मेरा ख्याल था कि मैं जो है वो लेक्चर पूरा कर लूंगा। ये इनके एक्सपेरिमेंट में बड़ा टाइम लग जाएगा, इनका इनका एक्सपेरिमेंट ही बड़ा शॉर्ट करके बता दिया मैंने। चलो कोई नहीं। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ अभी मैं ना, और ये आप लोग हैरान होंगे कि मैं कौन सी बुक खोल के आपको जो है वो एक एग्जाम्पल देने लगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है।
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमें, जी बेटा पहचाना इस बुक को, पंजाब वालों। सिर्फ वैसे पंजाब किया है। वालों में इसलिए कहा कि वो अक्सा ही बैठी हुई ना, अक्सा वो सिंध में है ना, तो उससे ये सवाल नहीं था। हाँ ये देखिएगा यहाँ पर ना, ये देखिए, ये आप में से अब जो भी ये आर्टिकल पढ़ाएगा इंशाल्लाह उसको आसानी होगी पढ़ाने में, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही है जो भी हमने पढ़ा। ठीक है, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस वाला, ये वही बिल्कुल साइकिल है जिसमें एंजाइम्स जो हैं वो डिफेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें फिर ये देखिए ये सारा वो एक्सपेरिमेंट है। और उसमें जब उन्होंने डिफरेंट सप्लीमेंट्स दिए तो सिर्फ ग्रोथ किस पे उन्होंने शो करवाई हुई है, आर्जिनिन पे। वहां पे तो जरा अच्छा है ना, वहां पे डिफरेंट अंदाज में बात की हुई है तो वो डायग्राम ज्यादा बेटर है, लेकिन ये एक सिंपल बहुत अच्छा अंदाज है, बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई है। जहां पे अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जो डायग्राम्स है बड़ी अच्छी बनी हुई है एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, लेकिन टेक्स्ट उतना ही गंदा लिखा हुआ है, मतलब बकायदा मनहूस टेक्स्ट लिखा हुआ है। बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं ये हो क्या रहा है, मतलब बात क्या करना चाह रहे हो भाई, कहना क्या चाहते हो। ठीक है, और लेकिन ये डायग्राम इस लिहाज से बड़ी अच्छी है। और ये जो है इसी तरीके से, जैसे जहां अच्छा लिखा हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो मैं एक टॉपिक है उसके हवाले से आमतौर पर पीएस वर्मा का रेफरेंस दिया करता हूँ, हालांकि मैं उस बुक को छेड़ता भी नहीं हूँ, लेकिन वो एक टॉपिक बहुत अच्छा लिखा हुआ उसमें, वो है ब्लड ग्रुप्स के जो है ना वो एंटीजन वाला, अच्छा टॉपिक लिखा हुआ है वहां पर, वो वहां से जरूर देखिएगा अगर आपने कभी प्रेजेंटेशन या वैसे लेक्चर तैयार करना हो तो। नहीं बेटा अनफॉर्चुनेटली मेरा लेक्चर खत्म हो गया, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ भी कह लें क्योंकि टाइम काफी हो गया। बेसिक प्रिंसिपल, अच्छा यहाँ असल में ना मैंने यहाँ तक पढ़ाना था बेसिक प्रिंसिपल, लेकिन मैं अब आप लोगों को बेसिक प्रिंसिपल, अब आप लोगों को भी बेसिक प्रिंसिपल समझाऊं, ये तो सिंपल सी बात है कि ये सेंट्रल डॉगमा की बात हो रही है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन है, और ये जो है वो अक्सर बच्चे जो है वो इस वर्ड का मतलब नहीं जानते, या इस वर्ड ये उनके सामने बोल दिया, वैसे उनको पता होता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसका मेन थीम क्या है, लेकिन सेंट्रल डॉगमा बोला जाए तो उनको जो है वो एकदम होता है कि यार ये क्या लफ्ज बोल दिया हमारे सामने, बेटा सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक्स, इसका मतलब ही ये है कि मरकजी ख्याल है जिसमें आप डीएनए से आरएनए और आरएनए से जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, और इन दोनों प्रोसेसेस को आप क्या नाम देते हैं, बेसिकली सेंट्रल डोगमा जो है वो इन दो चीजों पर मुश्तमिल है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जिनको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके तीन स्टेप्स में ले जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। अच्छा जी अब एक और बात मुझे बताइए, यहाँ पर तीन फील्ड्स हैं, एक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दूसरी फील्ड है बायोकेमिस्ट्री, और तीसरी फील्ड है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, क्या फर्क है? जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इनमें क्या फर्क है? जोहा आई थी, जोहा ने अटेंडेंस क्यों लेट लगाई है? अच्छा ये पुराने मैसेजेस हैं। हाँ भाई सो गए हो? बेटा बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और ये बायोकेमिस्ट्री, इन तीनों फील्ड्स में बायोकेमिस्ट्री जो है वो एक बहुत वास्ट फील्ड है, और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें गालिबन माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है ये आप डिस्कस कर सकते हैं, हर्ज कोई नहीं, लेकिन बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का काम जो है वो इस तक महदूद नहीं होता, बल्कि तमाम रिएक्शंस अलोंग विद इट्स एनर्जेटिक्स, ये तमाम चीजें जो है ये डिस्कस हुआ करती हैं बायोकेमिस्ट्री में। इसीलिए
आप जो मर्जी, आप रेस्पायरेशन, जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन है, बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह, फिर नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्मेशन, ये सारी चीजें या बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, तो कुछ भी जो हो रहा है, इवन ये जो होता है आपका मसल्स की जो मूवमेंट है, मसल्स की मूवमेंट में उसका मॉलिकुलर लेवल जब आप डिस्कस करते हैं तो वो आप डिस्कस किया करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, सब कुछ डिस्कस होता है। दो फील्ड जिसमें आमतौर पे हम धोखा खाते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है कि किसी भी ऑर्गन या किसी भी वर्किंग जो है वो ऑब्जेक्ट जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करना, ठीक है? जैसे हार्ट है, उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे आप स्टडी करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, क्रोमेटिन मटेरियल है, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे आप स्टडी कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। एंजाइम्स को आप सिर्फ एंजाइम को एज ए मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। एंजाइम के फंक्शंस पे जब आप आ जाते हैं ना तो वो बायोकेमिस्ट्री में चला जाता है, और उसके साथ साथ मतलब उसमें आप देखते हैं कि उसकी वर्किंग में वो वर्किंग कैसे कर रहा है, फिर एनर्जी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैसे लो कर रहा है, वो बायोकेमिस्ट्री में चला जाता है। मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो उसमें जिस भी चीज की आप करेंगे, ब्लड की मॉलिक्यूलर स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का काम सिर्फ और सिर्फ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के साथ है, यानी जीन के मॉलिक्यूलर लेवल पे वर्किंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, ठीक है? सिर्फ जीन की मॉलिक्यूलर लेवल पे वर्किंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, ठीक है? तो ये है डिफरेंस कुछ थोड़ा बहुत इन तीन फील्ड्स में, जो कि पता होना चाहिए आमतौर पर बच्चे जो है इससे फिर वो परेशान होते हैं कि क्या डिफरेंस है।